दिया हमारे बच्चे से लेके सीनियर हाजस का, सब इस जान के तहफ्फुज़ के लिए लड़ रहे हैं। अब इस मौके पे हम खड़े हैं, जो 1871 में जब कॉलोनियलिज्म आया था, ये कानून अंग्रेजों ने इस तरह से लागू किया था, इसको डिफरेंट शक्ल दे के हमें लग रहा है कि अब मुगल जमाने से बाद में जो वक्त आया था जिसमें ख्वाजा सराओं की इज्जत, जो कि पहले की पोजीशंस पे थे, जिनसे लोग तरबियत सीखते थे, जो आर्मी के अहदों पर फाइज थे और इतने स्ट्रेटेजिक फैसलों में शामिल थे, जिनसे कॉलोनियलिज्म में 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट की मिसाल मुझे दोबारा नजर आ रही है। और ये इतना बड़ा डैमेज हुआ, इतनी जल्दी कवर नहीं होगा। अभी मैं ट्रैवल कर रही थी, मुझे बोलते हुए मेरी जबान थक गई कि मैं उस आदमी को समझा सकूँ जो इतना पढ़ा लिखा था, जिसने कानून नहीं पढ़ा था। तो मैं दाना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें तो मौलवी ने 2016 में कहा था फतवा 50 क्लैरिक्स ने कि आप शादी कर लें, तो हमने कहा नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हमारे लिए आगे जाके ये खतरा साबित हो जाएगी। आज हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने उसके लिए कोई मिठाई नहीं बांटी या कोई ऐसा अमल नहीं किया। हमारे लोग तो जाके ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देते हैं, चोट खाते हैं, उनको मजीद लोगों की नजरों में नफरत पैदा करके उनकी जाने खतरे में डाल रहे हैं। तो इस्लाम तो जो शर्म नहीं आता दर्ज देता है, ये कौन सा बोर्ड बना रहे हैं? आप में से कितने मर्दों और औरतों ने प्रूफ किया जब आईडी कार्ड बनाने गए हैं कपड़े उतार के, या कोई बच्चा पैदा करके कि हाँ मसल मर्द है, ये कितनी औरतों ने प्रूफ दिया है? तो हमारी शर्म है आपका दर्ज जो इस्लाम देता है, तो हमारी जो एक शर्म पर्दे के ऊपर आवाज उठाई जा रही है, ये बहुत बड़ा एक अजाब है। हम पहले बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, दारा अपने अपने इस अमाल के जुम्मेदार बने और अपने ये मुझे खुशी होती है अगर आप ख्वाजा सराओं के टेबल पे बिठाते, सामने खुद बैठते हमारे रिलीजियस लीडर और एक ओपन डायलॉग होता और फिर ये स्टेटमेंट आते कहीं से भी। अगर आप ये आप सब यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई सी एक आप ऐसी क्लोज यहाँ से निकाल के देखे, हम सब कसूरवार मानेंगे जिसमें राइट ऑफ मैरिज या शादी का हक हो। और ये ख्वाजा सराओं के लिए कानून बना, ये मर्दों के लिए नहीं, मर्द जाके कहे कि मैंने औरत बनना है और औरत कहे हमने मर्द बनना है और आपस में शादी करें। हम सारे मिलके सारे एक्टिविस्ट इस चीज को कंडेम करते हैं। और अगर अभी भी हम कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हमने बहुत पुरअमन तरीके से ना हमने लोगों को ये कहा है सैनिटर मुश्ताक की तरह कि आप जाएं, 1,00,000 वीडियोज उन्होंने मुतालबा किया ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ बनाए, जिनको बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं, जिनके माँ बाप उन्हें सीने से नहीं लगाते, जिनको नौकरियां नहीं मिलती। मैं खुद एक लेक्चरर हूँ, इस न्यूज के बाद मेरी अगर रोजगार मुतासर हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया गया, तो मेरी ग्रास रूट लेवल जो सड़कों पे भीख मांगती है और धूप में बारिश में तकलीफों में गुजर के अपना गुजार पूरा करती है रहन सहन के लिए, तो उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। तो खुदाना हम आप सब सहाफ़ियों के लिए हमारे इंतजार करते हैं कि आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमारी नुमाइंदगी करें। हमारी ऑलरेडी कम्युनिटी बहुत कम है तादाद में, तो मजीद उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर एक डॉक्टर नजर आ रहा है, एक इंजीनियर नजर आ रहा है, एक लेक्चरर नजर आ रहा है। अब वो टाइम था कि हमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जगह मिलनी थी, इस मौके पर ये आवाज़ उठाई गई ताकि एक ट्रांसजेंडर एक ख्वाजा सरा एम्पावर्ड ना हो जाए, वो हमारे लेवल पे आके ना बैठ जाए। तो प्लीज आप सबसे पहले इल्तिजा है कि इसको पढ़ लीजिए और फिर आप सवाल पूछिए तो हम वेलकम हम करते हैं, हम हमेशा आपको आंसर दें।